हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिसका लंबाई मैंने लिया है 14 इंच और चौड़ाई यहां पे हम लेंगे 10.5 इंच। अब इसके बाद मैं यहां पे शोल्डर लेंगे, शोल्डर 5.5 इंच पर लेंगे, आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर लेंगे। अब नेक का मार्क करेंगे तो नेक का हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और नेक का लंबाई यहाँ पर हम लेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इधर से भी बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में हम यहाँ पे 5 शेप का डिज़ाइन देंगे, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन का मार्क कर लिया है। अब इसके बाद में नीचे साइड भी 1 इंच पर मार्क करके इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में फिर देखिए नेक को कट कर लेंगे और नीचे साइड भी। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है। अब देखिए ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर, इसके अस्तर इसके ऊपर रख के नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने नेक पे सिलाई लगा लिया है। अब नीचे साइड भी सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से हमने कट किया है उसी शेप में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर लेंगे, नीचे साइड का और नेक का। तो यहाँ पे देखिए नेक भी हम कट कर लेंगे सिलाई छोड़ते हुए, जो सिलाई अस्तर का मेन फैब्रिक है, अस्तर और मेन फैब्रिक, उससे एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और नीचे साइड भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है। अब इसके बाद में इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर से हम नेक पे और नीचे साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में अस्तर को भी मेन फैब्रिक से ज्वाइंट कर लेंगे, इधर भी चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगा लिया है हमने। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे टक्स के लिए पकड़ के सिल लेंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पे देखिए टक्स के लिए हमने दोनों साइड का पकड़ के सिल लिया है। अब इसे इसमें हम लेस से डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए हमने लेस ले लिया है चौड़ा थोड़ा, लेस को एक साइड से सिलेंगे यहाँ से देखिए। अब इसके बाद यहाँ से हम घुमा लेंगे, यहाँ पे हमारा कोने में हम फोल्ड करके फिर यहाँ पे फिर घुमाते हुए फिर सेम उसी शेप में हमें डिजाइन बनाना, लेस को लगाना है जिस शेप में हमें सिलाई लगाया है। अब दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे लेस के। तो यहाँ पे देखिए हमने लेस लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसे। फोल्ड करने के बाद में सेंटर पे मार्क करेंगे क्योंकि हम लेस और लगाएंगे। तो इसे खोल के फिर एक और लेस लेंगे, उसी लेस को यहाँ पे फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से लेस को लगाते हुए फिर इधर नीचे साइड घुमा लेंगे, देखिए इधर जहाँ पर हमने मार्क किया था इसीलिए हमने सेंटर पर मार्क किया था। यहाँ पर घुमा के फिर इधर जो हमने नीचे साइड राउंड शेप दिया है उधर घुमा के नीचे साइड लगा लेना है लेस को। तो देखिए हमने एक साइड सिलाई लगा लिया है, सेम उसी तरह दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी लेस को लगाना है। तो ये देखिए सेम उसी तरह हमने हमें लेस दूसरे साइड भी लगाना है। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर साइड फोल्ड करके फिर लेस को लगा लेंगे और यहाँ पर भी घुमाते हुए लेस को लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेस लग गया। अब हम एक पट्टी लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, कम से कम 2 या 2.5 इंच की चौड़ाई पे पट्टी होनी चाहिए। फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके फिर किनारे से सिलाई लगा लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो दोनों पार्ट आता है उसे सिलाई उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग गया है। अब हम यहाँ पर सुई धागा लेंगे, ये देखिए बड़ी सुई लेंगे, सुई धागे से हम इसे सिलते जाएंगे इस तरह से, इस तरह सिलते जाएंगे और देखिए लास्ट में जब बचेगा तो धागे को खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिल लिया है और उसके बाद धागे को खींच लिया। तो इतना बड़ा देखिए फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से फ्लावर बनाना है हमें। आप कोई भी फ्लावर कोई भी डिजाइन का बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला डिजाइन बनाया है।
अब इसके सेंटर पे हम मोती अटैच करेंगे। तो पहले ये देखिए, ये हमने बड़ी सी मोती लिया है, इसे हम अटैच करेंगे। तो इस मोती को हमें अच्छे से लॉक कर लेना, अच्छे से सिलाई लगा लेना है ताकि ये निकले ना। उसके बाद में हम पीछे से लॉक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, सुई धागे को, सुई धागे की सहायता से हम इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, उसके ऊपर हम यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। तो ये फ्लावर हमें यहाँ पे लगाना है। अब इस फ्लावर को अच्छे से लॉक कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से ताकि निकले ना। तो ये देखिए फ्लावर लग गया है, अब हम इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैक नेक डिजाइन बनके तैयार है। बहुत ही आसान है डिजाइन बनाना और जल्दी से बन भी जाता है। तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह से आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और डिजाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।